क्वेश्चन नंबर 8 देखें, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x का स्क्वायर है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। लेट गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर। इसमें भी हमें y1 और y2 चाहिए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y1 पावर स्टार्ट में आ गई, इसकी पावर एक कम होगी, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्र। ये आपने याद किया हुआ है स्टार्ट में। अब ये जो वन माइनस एक्स स्क्र का स्केयर रूट है, इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, बाकी आपके पास ये चीज़ बचेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयर कर लेंगे हम, क्योंकि ये हमने क्या करना है, ऊपर देखें वन माइनस एक्स स्क्र है, लेकिन इसके ऊपर स्क्र रूट आ रहा है। स्केयर रूट को ख़त्म कैसे करते होते हैं, स्क्र लेके, ये क्या बच जाएगा, वाई वन का स्क्र वन माइनस एक्स स्क्र और माइनस का स्क्र प्लस फोर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्र। अब ये जो चीज़ है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये है वाई के इक्वल, तो इसकी जगह क्या आ गया, फोर वाई। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू स्टार्ट में है, इस पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, पहले इसका डेरिवेटिव ये इस तरह से, फिर इसका डेरिवेटिव और ये इस तरह से, टू वाई वन, जब अगेन लेंगे तो वाई टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इसी तरह से आ गया। इस टर्म का लिया वन का जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू ऑफ एक्स, फोर वाई वन, वाई का लिया तो वाई वन। अब इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, एक तो टू है सब में, एक वाई वन है, हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू ऑफ वाई वन, बाकी क्या बच जाएगा, वाई टू वन माइनस एक्स के माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू टू। अब इस टू को इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा, ये भी चीज़ हमने प्रूफ कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ वाई इज इक्वल टू ए कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, हमने ये चीज़ शो करनी है, एक्स स्केयर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। उसी तरह से हमारा वाई ये है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और अगेन लेंगे तो वन ओवर एक्स, इसी तरह से इसका लेंगे बी कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जब दोबारा से लेंगे तो वन ओवर एक्स, वन ओवर एक्स, वन ओवर एक्स, दोनों में से कॉमन लेके डिवाइड हो रहा है एक्स, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमें y2 वाला चाहिए, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म इसी तरह से इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव और फर्स्ट टर्म का वन, और इसका लेंगे माइनस ए साइन का कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का वन ओवर एक्स, फिर कॉस का माइनस साइन, माइनस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और वन ओवर एक्स, फिर एक्स का इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में से कॉमन लेंगे, एक्स के डी टू वाई ओवर डी एक्स के प्लस एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, और इनमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये जो सारे टर्म है ये किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल, ए कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई। अगले स्टेप में ये वाई इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ तक आपका कंप्लीट जो है वो 2.7 तक कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.8 स्टार्ट करेंगे।